यार आज की वीडियो में दोस्तों किसी गेस्ट की जरूरत नहीं है बुलाने की, क्योंकि भाई खुद ही आपको अर्निंग दिखा देगा। और हाँ, अपना रिंग कुछ रिवील भी कर दूंगा। तो क्यों, क्या सच में कमाया जा सकता है इतना? तो हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, पास आओ। देखो, YouTube से पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। नहीं, आसान है नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं यार, आसान है। चलो मैं दिखाता हूँ पहले आपको अपना अर्निंग। आज से मैंने 3 साल पहले YouTube की शुरुआत की थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फ़ोन था। और मैंने फ़ोन से काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया। पहले मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि YouTube से क्या लाखों रुपए कमाया जा सकता है। और हाँ, आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊँगा कि YouTube चैनल कैसे बनाना है, काम कैसे करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, तो मुझे लगता है वीडियो को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से पहले इनकम प्रूफ देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखो मैं फ़ोन की स्क्रीन पर हूँ और मैं खोलता हूँ YT स्टूडियो। वैसे मैं कौन से चैनल का आपको प्रूफ दिखाऊँ, मेरे पास तो 203 चैनल है। चलो मैं आपको इसी चैनल का दिखा देता हूँ प्रूफ कि क्या है। ठीक है, ये मेरा चैनल पहले से ही ओपन है। लास्ट टाइम व्यूज़ मेरा 4.4 लाख है और 1.6 सब्सक्राइबर, 12,000 का वॉच टाइम सब्सक्राइबर आप देख पा रहे हैं। एस्टिमेटिक रेवेन्यू पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने भी बेलर मार के रखा है, कोई बात नहीं, प्रूफ दूंगा। ये मेरा खुल चुका है रेवेन्यू अभी फ़िलहाल दोस्तों, $304 अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो हम बाजू में जाते हैं, यहाँ पर देखो रेवेन्यू में क्लिक करेंगे। रेवेन्यू में क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च अर्निंग आप देख रहे हो बाजू में। ये मेरे एक चैनल की है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और स्विच पे क्लिक करूँगा तो मेरे एक और चैनल और भी है जो मोनेटाइज है, मैं उसका नहीं दिखाऊँगा, फिलहाल इसी का ही देख लेते हैं। तो भाई चलो, यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद और हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 90 डेज़ का रेवेन्यू, देखते हैं कितना होता है मेरा। मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं नीचे आके $1076 मैंने सिर्फ 3 महीने में कमा लिए YouTube से। अजीब लग रहा है, कितना होता है यहाँ पर आप खुद ही जोड़ लेना। तो ये मेरा कुछ प्रूफ होता है जो मैंने लाइफ टाइम नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी दिखा देंगे अगर आप DM करोगे पर्सनल नंबर इंस्टाग्राम पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करें, नीश कैसे डिसाइड करें और हमें क्या बनाना चाहिए और हम कैसे एडिट करेंगे प्रोफेशनल एकदम सब कुछ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो इस बात पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे जीमेल अकाउंट आपके सामने, फिर हम बनाएंगे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ वगैरह तो आपने देख ही लिया। YouTube भाई चैनल बनाने के लिए पहले आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए भाई हम यहाँ पर देखो ओपन करते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको देखो साइड में लोगों में क्लिक करना इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक नया फ्रेश जीमेल आईडी बनाएंगे। नीचे देखो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है, इस एरो पर क्लिक करना। यहाँ पर नीचे देखो लिखा एड अनदर अकाउंट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब हम सिंपल गूगल में क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसको अनलॉक कर लेंगे, जो भी फोन पे आपका लॉक लगा रहता है यार। यहां पर अनलॉक करने के बाद यहाँ पर देखो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सिंपल क्रिएट में क्लिक करेंगे, माय फोर पर्सनल यूज पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको नाम डालना है जीमेल अकाउंट पर। जैसे मेरा नाम है भाई मनीष, मनीष बर्मन, ये मेरा नाम है तो मैंने नाम डाल दिया। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पर देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को कर देता हूँ भाई सेलेक्ट इस तरीके से, ओके। और फिर अपना जेंडर करना है सेलेक्ट, इसके बाद सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जीमेल आईडी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जीमेल आईडी मैं अपनी खुद मर्जी से बनाऊँगा एक प्रोफेशनल, तो यहाँ पर क्रिएट और यूवर ऑन जीमेल में क्लिक करना है चैनल। ये मैंने अपने हिसाब से जीमेल आईडी खुद से डिसाइड कर लिया कि मेरी जीमेल आईडी ये होगी। और फिर हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे, जीमेल आईडी ले चुकी है। अब यहाँ पर लिखा है देखो क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो हम यहाँ पर अच्छा सा एक पासवर्ड बना लेते हैं। हमने पासवर्ड बना लिया, सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और अब हमारी यहाँ पर जीमेल आईडी दोस्तों यस पे क्लिक कर देंगे, बन के तैयार हो चुकी है। अब हमारा पहला काम कंप्लीट। अब हम बनाएंगे यहाँ पर इसी जीमेल आईडी से, ये आई एग्री पे क्लिक कर देंगे क्योंकि ये पूरा फिनिश अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ये हमारा जीमेल आईडी बन के तैयार हो चुका है, अभी हमारा पहला काम हुआ है। अभी हमको आप अपनी इस जीमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बनाना है, वो भी प्रोफेशनल। तो कैसे बनाएंगे और हाँ
एडिटिंग कैसे करेंगे, क्या बनाना है ये भी बताऊंगा, तो बिल्कुल स्किप मत करना आप लोग, ठीक है। सो गाइस ये क्लिक करता हूँ यहाँ पर, देखो मनीष बर्मन YT चैनल आपके सामने जीमेल बन के तैयार है। अब करना क्या है, बीच से कट करते हैं और सिंपल खोलते हैं YouTube का ऐप, सिंपल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम बना के दिखाएंगे आपको YouTube पर चैनल प्रोफेशनल। तो करना क्या है, देखो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने लोगों में, यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो मैं स्विच पर क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पर मेरी बहुत सारी जीमेल आईडी दिखाई देंगे क्योंकि मेरे मल्टीपल चैनल पर काम कर रहा हूँ। नीचे आते हैं, जो जीमेल आईडी मेरी दिख रही है नीचे, हम इस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अपनी जीमेल पर स्विच हो चुके हैं। अब इस जीमेल से यूट्यूब एकदम नया फ्रेश चैनल बनाएंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लोगों पर, देखो ऊपर नाम लिखा मिलेगा, यहाँ पर लिखा क्रिएट अ चैनल, जैसे कि आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ स्क्रीन को। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों पहले यहाँ पर लिखा है क्रिएट चैनल, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना, पहले आपको इस फोटो पे क्लिक करना है कैमरे पर, जो डीपी आप लगाना चाहते हैं वो डीपी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलो यहाँ पर मैं अच्छे से अपनी प्रोफाइल डीपी लगा लेता हूँ, यानी कि लोगो लगा लेता हूँ। तो मैंने लोगो पर क्लिक कर दिया इस तरीके से और सेव आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, हमारा लोगो सेट हो जाएगा हमारे लोगो डीपी पर। नाम, हमारा नाम, हमें किस नाम से चैनल बनाना है, मेरा नाम पहले से सेलेक्ट है, आप जिस नाम से चैनल बनाना चाहते हैं आप वो नाम एंटर कीजिए, बट आप ये सोच लेना कि जो नाम से आप चैनल बना रहे हैं वो नाम से चैनल यूट्यूब पर नहीं होना चाहिए, एक यूनिक नाम से बनाइए जो सिर्फ पूरी यूट्यूब पर किसी के नाम पर हो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया, नीचे लिखा हैंडल, इस पर क्लिक करना है और एक अच्छा सा हैंडल चूज़ करना है अपने चैनल के नाम से। तो यहाँ पर देखो मनीष बर्मन में डालता हूँ, ये शायद पहले से कहीं किसी ने लेके रखा है, ये देखो। तो हम YT डालेंगे, YT भी किसी ने लेके रखा है, तो यहाँ पर हम डालेंगे YT चैनल, ये देखो ठीक है, मनीष बर्मन YT चैनल, ये हमारा हैंडल हो चुका है YouTube पर, यह भी शायद किसी ने लेके रखा है, तो कोई बात नहीं भाई, हम यहाँ पर मनीष बर्मन YT 100 यानी 10 इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। तो ये हैंडल किसी ने नहीं लिया, तो हम सेम पे कर देंगे। अब हमारा ये देखो नाम DP लग चुका है, क्रिएट चैनल पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा चैनल बन के तैयार हो जाएगा। तो देख लेते हैं आगे क्या बताता है भाई साहब। जी हाँ, चैनल बन गया है, लेकिन नहीं अभी कस्टमाइज कुछ भी नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर फिर से लोगों में क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे नाम पर, अभी देखो हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ एकदम सूखा है। तो अभी हमको इसको डिज़ाइन करना है, प्रोफेशनल करना है, बहुत प्रोफेशनल करना है। तो आपको ये बाजी पर पेंसिल पे क्लिक करना है, देखो आपको आपका लोगो जो है वो लगा हुआ है पहले से, अगर नहीं लगा तो फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपका DP लोगो जो आपने बना के रखा है अपने चैनल के लिए, तो सिंपल आप उसको यहाँ पर अटैच या ऐड जो भी आप कहते हैं उसको कर दीजिए। हमने अपने DP लगा दिया, सिंपल नीचे सेव आप प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे, हमारा लोगो फिर लग जाएगा, पीछे वाले कैमरे पर क्लिक करेंगे, चूज योर फोटो में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम अपना पहले से एक बैनर बना के रखे हैं अपने चैनल के लिए प्रोफेशनल, तो हम अपने बैनर पर हम चले जाते हैं जहाँ भी हमने सेव करके रखा है। तो गाइस देखो ये हमारा बैनर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह लगा लिए, सेव में क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो हमारा जो बैनर है वो हमारे चैनल के जो बैक साइड होता है, जैसे कि मेरे चैनल पर होगा तो वहाँ जाके सेट हो जाएगा, जिससे हमारा चैनल एकदम प्रोफेशनल देखने में लगेगा। भाई हमारा देखो यहाँ पर ना बैनर भी लग चुका है, लोगो भी लग चुका है, अब हम इसको बैक करेंगे एक बार और आप देखते हैं हमारा चैनल एकदम प्रोफेशनल देखना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पर एक काम और करना है, अभी आपका चैनल वेरीफाइड नहीं है, आप यहाँ पर थंबनेल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, जब वीडियो आप अपलोड करोगे तो थंबनेल यूज़ नहीं कर सकते हो। अभी आपको फिर से पेंसिल में क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है, यानी कि आपके चैनल के बारे में कि आप चैनल पर क्या बताना चाहते हो। तो हमने डिस्क्रिप्शन पहले से लिख के रखा है या फिर आपके सामने ही लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पढ़ सकते हो मैंने क्या लिखा। इसके बाद सिंपल सेव में क्लिक कर देंगे, सेव में क्लिक करने के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन तैयार हो चुका है। अगर हम आप चैनल को देखते हैं तो कुछ हमारे चैनल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वीडियोस को अपलोड करने के बारे में, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ वीडियो पहले ही बना के रखा है, तो सिंपल मैं अपलोड करूँगा आपको कैसे बनाना है। देखो पहले भाई आप वीडियो को शूट कीजिए, जैसे भी आप कर पाते हैं, अगर आपको शूट करना नहीं आता, फेस कैम पर बात करना नहीं आता, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि लाखों चैनल पर काम चल रहा है, लाखों चैनल
कर रहे हैं काम और हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ, बिना फेस कैम की भी आप वीडियो बना सकते हो इसकी रिकॉर्डिंग करके किसी भी टॉपिक पर। सो गाइस, अब आप बात करते हैं टूल के बारे में, यानी कि दो ऐसे एप्लीकेशन जहाँ से आप वीडियो को एडिट कर सकते हो या तो बना सकते हो। पहला है VN, जी हाँ ये एक बहुत शानदार एप्लीकेशन है। दूसरा है कैनमास्टर। मैंने VN और कैनमास्टर की दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, जाके देख सकते हो कि VN पर वीडियो एडिटिंग कैसे करना होता है, कैसे करना है मैंने पहले से बना के रख दिया है, तो डिस्क्रिप्शन पर वो भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो VN वीडियो एडिट कैसे करते हैं यूट्यूब के बारे में, ठीक है। तो चलिए, हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं वीडियोज़ को अपलोड करने की। तो हम सिंपल इस प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम भाई यहाँ पर देखो हम वीडियो पर आ चुके हैं अपनी। यहाँ पर हम कोई भी एक वीडियोस को अपलोड करेंगे या फिर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर मान लीजिए भाई कि हमारे पास एक वीडियो, हम ये वाला इस पर क्लिक करेंगे इस वीडियो पर। इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पर कि इंस्टाग्राम पर अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। तो हम भाई सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है, टाइटल एक अच्छा स्पेशल टाइटल लिखना है आपको, तो हाउ टू क्रिएट इंस्टा। हमने टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन इस तरीके से आ गया, यहाँ पर लिखा वेरीफाइबल अकाउंट। आपको थंबनेल यूज़ करने के लिए आपका अकाउंट वेरीफाइड करना पड़ेगा फ़ोन नंबर से, तो वेरीफाई में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे इस तरीके से। अब भाई यहाँ पर देखो हमारे फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगी, इसको खूब फिल करना है आपको यहाँ पर। यहाँ पर OTP डाल दिया और हमारा अकाउंट अब वेरीफाइड हो चुका है। सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, नो में क्लिक करेंगे, अपलोड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो अभी हमको एक काम और करना है, ठीक है ना। अब करना क्या है, सी ऑल में क्लिक करेंगे। देखो हमारा वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। सिंपल आपको यहाँ से कट करना है और आपको खोलना है YT स्टूडियो। यह हमने ओपन कर लिया, तो सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस जिमेल से आपने अकाउंट बनाया है अभी नया, आपको वो उस अकाउंट पर आपको उस जिमेल से अकाउंट को स्विच कर लेना है। यहाँ पर हमारी जिमेल काफ़ी सारी देखने को मिल जाएंगी। तो हमने अभी जो चैनल भाई बनाया है नया, ये वाला चैनल है, ये देखो हमने यहाँ पर कर दिया सेलेक्ट। अब यहाँ पर हमारी एक वीडियो आएगी जो हमने आपके सामने अभी अपलोड कर रहे थे, ये सामने देख रही है हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। हम यहाँ पर जाएंगे भाई कंटेंट पर, उस वीडियो पर क्लिक करेंगे जाके हम यहाँ पर, और जाएंगे एडिट पर। और यहाँ पर देखो सिंपल हमें करना क्या है कि इसका थंबनेल लगाना है, ठीक है। तो इस पेंसिल में आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और आपको थंबनेल में क्लिक करना है और आपका यहाँ पर फोटो या जितनी भी आपने थंबनेल बना के रखा पहले से। सो गाइस यहाँ पर देखो हमने थंबनेल पहले से बना के रखा था। इस तरीके से आप थंबनेल बना सकते हो, बड़ा आसान है। यूट्यूब में देख के किसी का भी वीडियो या फिर आप कमेंट्स करोगे तो वीडियो आ जाएगा। इसके बाद सिंपल डन में क्लिक करना है और अब आपका यहाँ से इस पर क्लिक करना है और पब्लिक पहले से वीडियो आपका है सेव कर देना है। वीडियो आपका दोस्तों अपलोड हो चुका है और आपने हमने आपका पूरा बता दिया कंप्लीट। अब बस आपको रेगुलर दो वीडियोस अपलोड करना है, किसी भी टाइम आप सेट कर लीजिए। जैसे आप अपलोड करोगे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, पर आपका वीडियोज़ पर आराम व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। और जैसे व्यूज़ आपको ज़्यादा आने लग जाए तो आप वीडियो को ज़्यादा अपलोड करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही आपका चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, 4 आवर्स का वॉच टाइम हो जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे YouTube से। वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, भाई का चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई सवाल है YouTube से रिलेटेड तो हमें कमेंट्स कर दो वीडियो का, या फिर Instagram पर मैसेज करना, मैं आपको जवाब वहाँ दे दूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।